सो गाइस, घर में थोड़ी लाइटिंग ठीक नहीं है, सो एडजस्ट कर लेना। तो चलो इंट्रो कर देता हूँ। हे व्हाट्स अप पब्लिक, दिस इज आकाश बैक अगेन विद अ न्यू वी डे। यो सो गाइस, कुछ 20 दिनों से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे आप लोगों को तो पता है ना गाइस, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे भाई। चलो अब आते हैं मेन मेन बात पे। सो हमारा बैच जो है, डिग्री का बैच, मतलब मेरा ग्रुप लोग, मेरा नहीं, हमारा ग्रुप। सो हम लोगों ने एक प्लान डाला है, तो श्रीलंका जाने के लिए प्लान डाले। सो हमारा प्लान था सैटरडे के दिन निकलने का, जैसे एग्जाम्स खत्म हो जाए। मेरे ग्रुप के एक मेंबर को फैमिली फंक्शन को अटेंड करना था, सो संडे के दिन फंक्शन था। सो हम लोगों ने बोले ठीक है भाई, तू फैमिली फंक्शन अटेंड कर ले, उसके बाद मंडे के दिन निकलते हैं अपन लोग। हम लोग आज निकल रहे हैं मंडे 8 फरवरी। आई होप कि ये जर्नी सेफ और अच्छा रहे। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम है बीच को जाने का वहाँ पे, सो मैं भी इन्जॉय करता हूँ और आप लोगों को भी वीडियो दिखा के इन्जॉय कराता हूँ। सो फिलहाल अब के लिए तो मैं पैकिंग करता हूँ, पैकिंग करके शाम में मेरे फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, डिग्री वालों को। गाइस चलो। सो गाइस, प्लान में थोड़े से चेंजेस आए। हम लोगों को निकलना था रात में 10, 11, 12 बजे कुछ टाइम था, लेकिन क्या बोलते हैं, अभी निकल रहे, टाइम हो रहा है 5। सो क्या बोलते हैं, अपने हर्ष का काम पूरा ख़त्म हो गया, सो उसका काम भी हो गया, तो खाली बैठने से अच्छा निकलना सही है बोल के, तो हम लोगों ने सोच लिया अब निकल लेते हैं। जितना हो सके उतना डे टाइम में हम लोग किलोमीटर्स कवर करें, मतलब एक 150 किलोमीटर्स तक तो कवर करें तो बस गाइस। सो वो लोग भी आ गए शायद। सो गाइस वो लोग भी आ गए। अब थोड़े सामान है, थोड़े सामान ले लेके कार में लगाना है अपने को। तो ये अपना हर्ष बिजनेसमैन बता रहा था ना, इसका काम पूरा खत्म हो गया। ये है, सो ये है शशि अन्ना चलाने वाले। अरे प्रणीता। सो गाइस ये है प्रणीत, यो पवन ब्रो। तो चलो अब निकलते हैं बिना देरी करे। सो लेट्स गो बॉयज। सो गाइस अब हुआ क्या है, हम लोग रास्ता भटक गए, कहाँ है पता नहीं है, किसी छोटे गांव में आगे। रोड भी बहुत भयंकर है, मतलब एक अंकल को पूछे वो बोल रहे हैं कि यहाँ से रास्ता पूरा गड़ा गड़ा है। सो फिर से हम लोग को पीछे जाना है। सो बता रहा हूँ, किसी एक्सपीरियंसड पर्सन को लेके जाओ जिसको सब कुछ पता है। हम सभी को तो कुछ नहीं मालूम है। तो देखो गाइस ये रोड इतनी भयंकर है, आगे कुछ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। वाह ब्रो, ये है हमारा ढाबा, ये मतलब माइल भी नगर का ड्राइविंग। हमारे अबरार भाई बोले, मस्त बोले, तो अपने कुछ चिकन लेना है, चिकन मतलब कुछ तो चिकन ये वो खाने के लिए ले लेते हैं गाइस चलो। सो भाई यहाँ पे कुछ खाने लायक कुछ भी नहीं है। सो कुछ खाने लायक कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सो अपन ना यहाँ पर कुछ नहीं ले रहे, सामने कुछ तो मिले तो लेंगे। हल्लो बटे गिरेंगे तुम, एक सूर्यलंका है अभी। अरे डालो भाई कौन तो लाइट। सो भाई सूर्यलंका अभी एक 70 किलोमीटर से। ये सीन है यहाँ का, पूरे रोड खाली है, रात 11 होते कि एक जने भी नहीं दिख रहे भाई, मतलब अपने हैदराबाद में ऐसा होता नहीं है। नाता ना पता है, इंसान नहीं मतलब किसी को रोड पूछेंगे बोल तो भी कोई बंदा दिख भी नहीं रहा है, इतना खाली है रोड पूरा। अरे स्ट्रेट है। ओ स्ट्रेट स्ट्रेट। सो हम लोग तो अभी गूगल मैप्स के भरोसे पे जा रहे हैं, अभी 40 किलोमीटर है गाइस। यहाँ देखो तो शैतान दिख रहे हैं। अरे गूगल मैप्स देख रहे हैं। हाँ देख लो बटे अभी देखो भाई, गूगल मैप्स भी देखो, गूगल मैप्स में भी देखो, राइट में लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, बस रेगिस्तान है, रेगिस्तान नहीं खाली जंगल है। अरे बटे रुको। सो गाइस टाइम हो रहा है 2 अब, सो हम लोग बापटला को आ गए। यहाँ ऊपर एक लॉज है, सो लॉज को जाके पूछते हैं क्या है कैसा है, खुला है कि भी नहीं पता है। अरे रुक रे आ रहा हूँ। गेट है भैया, भैया एक भी रूम्स अवेलेबल नहीं है अपने को। सो सामने एक और लॉज कहते जाके देखते हैं, वहाँ भी मिल जाना। हाँ यहाँ रह रो रहे, रात के टाइम में बहुत अजीब अजीब आवाज़ आ रही है भाई। सो हम लोगों को रूम्स का यहाँ पर भी नहीं मिले। हम लोगों ने मतलब 7 होटल्स तक गए थे, सभी होटल्स पूरे बंद है। क्यों मतलब यहाँ पे इलेक्शंस चल रहे थे, सो इलेक्शंस की वजह से
कोई भी रूम्स खाली नहीं है, सभी रूम्स में मतलब पुलिस वाले सो के है कहते। सो हम लोगों को पता नहीं कि आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है सरपंच के कहते, पंचायत के इलेक्शन। सो गलत टाइम पे आ गए शायद। सो अब तो हम लोग सूर्यलंका बीच के पास आए, वहाँ मतलब अंदर जाके देखते हैं कैसा है सूर्यलंका बीच। रात के टाइम में तो कुछ दिखेगा नहीं, बस देखते अंदर जाके देख के आते। सो हम लोग ज़्यादा देर अंदर नहीं रहने वाले, क्यों बोल तो बीच के पास रहना ठीक नहीं होगा, अगर पुलिस वाले आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को। सो यहीं पर कहीं पर एक दो घंटे रेस्ट ले लेंगे, क्यों बोल तो ऑलरेडी टाइम हो रहा है 4। सो एक घंटा रेस्ट ले लेके सुबह सनराइज़ देखते हैं गाइस। चलो सुबह मिलते हैं। ये सूर्यलंका बीच रात के टाइम पे, सुबह के टाइम में अपन मिलेंगे। 5 हो रहे, हम लोगों को अभी नींद नहीं आया और ये रोड भी देखो पूरा अंधेरा है। हम लोगों को रूम्स कुछ नहीं मिले, सो यही रोड पे बैठ गए। बाकी के 3 लोग आ तो फुल मतलब नींद में। सो हम लोग सोच रहे हैं कि ये देखो अपने भाई लोग है फोटो शूट में बिजी, तो सुबह सूर्यलंका को जाके सनराइज़ देखेंगे गाइस। अभी तो 5 बज रहा है अभी, और तो अगले फरवरी है, सो सुबह होने में देर भी होगी, 6:30 तक होगी। हम लोगों को अभी 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा सनराइज़ के लिए भाई साहब, फिर बाद में 2 घंटे एंजॉय करके फिर बाद में रूम को जाना पड़ेगा। कैसा भी रूम मिलना चाहिए, मतलब कार में रेस्ट लेना बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस। सूर्यलंका बीच को आ गए। सो अभी तो इतनी भयंकर ठंड है बोल के चाय पीने के लिए ठहरे यहाँ पे। सो चाय पी के आप लोगों को बीच बताता हूँ। वो सो गाइस ये देखो ऐसा है सूर्यलंका का एंट्री। वहाँ पीछे के साइड रिसॉर्ट से वो पूरे सूर्यलंका के आप लोगों को दिख रहा होगा फॉग कितना भर के, सामने कुछ भी ज्यादा दिख भी नहीं रहा है। सनराइज तो कहीं दिए, अब धूप क्या कल सुबह आएगा क्या भाई? आएगा भाई आएगा। टाइम 6 हो रहा है यार, अभी तक धूप नहीं आया बोल तो क्या बोलना, बोलो। टाइम्स मेंटेन नहीं कर रहे सूरज मामा। डॉल्फिन मामा, अरे शिट मामा, अरे आड़ा दूर रहा सुन, डॉल्फिन मामा, अरे अरे बहुत सही है, बहुत सही है ब्रो। भाई सच्ची में बता रहा हूँ, कैमरा में कुछ खास नहीं दिखेगा लेकिन अगर आप लाइव में आओगे तो मज़ा आ जाएगा ये देख के। सो वहाँ है बेंचेस बैठ के मज़े करने के लिए, और ये है सूर्यलंका बीच। वाओ भाई अब दिख रहा है देखो सही, पूरा ऑरेंज ऑरेंज। हम लोग चिराला गन, तो चिराला बोल रहा हूँ, सूर्यलंका गन तो एंजॉय कर लिए, सुबह तो बहुत बढ़िया हुआ है। अब जाके नाश्ता करते, एक रूम ढूंढते, रूम ढूंढने के बाद अपना सो जाते हैं। दा ब्रो का सेल्फी है ब्रो, भाई के साथ एक सेल्फी लेना है। सो अब तो इतनी सर्दी है कि हम लोगों को ये बीच में भीगने का मन नहीं कर रहा है। सो एक रूम लेके वहाँ जाके थोड़ी देर सो जाते, रात भर नींद नहीं था, तो रेस्ट लेके फिर बाद में अपना चिराला बीच को निकलते। चिराला बीच को निकल के वहाँ पे क्या क्या है देखते चलो गाइस। सो फाइनली हम लोगों को रूम भी मिल गया है, मतलब कल रात से ढूंढ रहे थे, इलेक्शंस चल रहे हैं आंध्र प्रदेश में। सो सभी रूम्स ज़्यादातर पुलिस लोगों को और जो इलेक्शन के मेंबर्स रहते हैं उन लोगों को दे दिया है कहते। सो पूरे रूम्स तो मतलब भर गए, तो फाइनली एक रूम मिला है, मतलब हम लोग को 2 रूम्स मिला है, 3-3 जने शेयर कर रहे हैं, लेकिन भी अपन एक ही रूम में रहने वाले सभी लोग। तो सो अब तो फाइनली एक रूम मिल गया अपने को, रात भर नींद नहीं थी, अब तो दबा के
सोने वाला हूँ गाइस मैं तो, मतलब एक दो घंटे सो लेके नहा के रेडी होके फिर से अपने को चिराला बीच को जाना है। मैं थोड़ी देर रिश्ते लेके पानी नहा के मिलते हैं गाइस।